निर्गमन अध्याय आठ। और तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें, और यदि उन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ, और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर परं तेरे तंदुरों और कठौतियों में भी चढ़ जाएगी, और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी कि हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया, और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात पर तुम मुझ पर तेरा घमंड रहे, अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाए। उसने कहा, कल। उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाएगा कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है, और मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नदी में रहेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए, और मूसा ने उन मेंढकों के विषय यहोवा की दोहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे, और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया, और मेंढक घरों और आंगनों और खेतों में मर गए, और लोगों ने इकट्ठे करके उनके ढेर लगा दिए, और सारा देश दुर्गंध से भर गया। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी न सुनी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकिया बन जाए, और उन्होंने वैसा ही किया। अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा, तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकिया हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकिया बन गई। तब जादूगर ने चाहा कि अपने मंत्र तंत्रों के बल से हम भी कुटकिया ले आए, परंतु यह उनसे न हो सका, और मनुष्यों और पशु दोनों पर कुटकिया बन ही रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता रहा, और उसने मूसा और हारून की बात न मानी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर आएगा, और उससे कहना कि यहोवा तुझसे यह कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डास भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि में भी डास भर जाएंगे। उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा,
और उसमें डासों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूँ, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। यह चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डासों के झुंड भर गए, और डासों के मारे वह देश नाश हुआ। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें, तो क्या वे हमको पत्थरवाह न करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। तब मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा कि दासों के झुंड तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से कल ही दूर हो। पर फिरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने देने के लिए नहीं न करे। सो मूसा ने फिरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती की, और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार डासों के झुंडों को फिरौन और उसके कर्मचारियों और उसकी प्रजा से दूर किया, यहां तक कि एक भी न रहा। तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को सुन्न किया और उन लोगों को जाने न दिया।